গত 5 বছরে রাজস্থানে কি হয়েছে? 5 বছরে মরুরাজ্য পিছিয়ে পড়ার দায়ভার কে নেবে? আজ ভোটমুখী রাজস্থানে ভরতপুরে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, গত 5 বছরের মধ্যে রাজস্থানের মানুষ কোনো উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেনি। কারণ কংগ্রেসের ক্ষমতাধীন সময়ে উৎসবে পাথরবাজি, লাঠিচার্জ, কারফিউ লাগানো থাকতো। কংগ্রেস যেখানে ক্ষমতা এসেছে সেই সব স্থানে সন্ত্রাস, দাঙ্গা, হাঙ্গামা লাগামহীন হয়ে যায়। এর মূল কারণ কংগ্রেস দূষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকে। এই কংগ্রেসের দখলে এক মিনিটের জন্য ক্ষমতা দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করে বিশাল জনসভাকে সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী। ভরতপুরের জনসভায় আর কি কি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি শুনে নিন। मेरे परिवारजनों, एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ, क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी? मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं
रैप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? एक मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो, डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहां के मर्द होते हैं, यहां के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें ये तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां, बहन, बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।